आंगनवाड़ी स्टूडियो लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे आंगनवाड़ी संघों के द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं को जो गुमराह करने का काम है कि सेविकाएं इस भ्रम में हैं कि हाँ हमारे बिहार में हम आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के ग्रेजुएटी के लिए बाकी अन्य कामों के लिए जो केस होने वाला था कोर्ट में वह केस हो चुका है। तो आप सभी इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि वह केस हो चुका है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को जो जानकारी दिखाने वाली हूँ इससे आप लोगों का सभी भ्रम दूर हो जाने वाला है, क्योंकि इस पर मैं बहुत पहले से वीडियो बनाने वाली थी और मैंने उन सभी बहनों से भी बात कर लिया था जिन बहनों ने कोर्ट केस के लिए पैसे जमा किए थे, कोर्ट केस करने के लिए चंदा दिए थे, उन सभी बहनों से भी मैंने बात कर लिया था और सभी जो एविडेंस हैं, सभी जो सबूत हैं वो अभी मैंने इकट्ठा कर लिया था और अभी इस पर बात हो ही रही थी, चर्चा हो ही रही थी, तब तक जो है कि एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बहुत जल्द कोर्ट में जाने का काम किया जा रहा है एटक द्वारा। मैं आप लोगों को बताऊं कि हम आंगनबाड़ी जो है सेविकाएं सहायिकाएं इतने ज़्यादा टुकड़े टुकड़ों में हम लोग बटी हुई हैं, जिसका देन यह है कि आज सेविकाएं की स्थिति यह है, सहायिकाओं की स्थिति यह है। आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने पिछले साल इसी महीने के आसपास में जब नवंबर में हम लोगों ने हड़ताल किया था, उस हड़ताल में एटक द्वारा कहिए या फिर कुछ और संघों के द्वारा कहिए, इसमें जो है कि कुछ संघों ने साथ दिया, कुछ संघों ने साथ नहीं दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी एटक से संबंधित जितने भी संघ हैं, सभी संघों ने अपनी एकता दिखाई, चाहे CFUTI से हो, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ हो, बिहार राज्य कर्मचारी यूनियन हो, चाहे जो भी संघ हो, सभी ने अपनी एकता दिखाई और उस एकता का परिणाम यह हुआ कि एक हज़ार पचास रुपये जो है आंगनबाड़ी सहायिकाओं और सेविकाओं के दोनों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई। सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी होकर के 4,000 रुपये और सेविकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी होकर के 7,000 रुपये। इस बात को भी लेकर के सेविकाएं दुखी भी हैं और खुश भी हैं। खुश इसलिए हैं कि कम से कम चलो सहायिकाओं का 4,000 हुआ, सही है, पहले जो 2,750 रुपये की मानदेय की राशि थी उसके बाद से जो है कि कुछ उसमें बढ़ाया गया, फिर उसके बाद से जो है कि इस तरह से सहायिकाओं के मानदेय में तो बढ़ोतरी कुछ हुई, लेकिन जब 4,000 रुपये सहायिकाओं का मानदेय हुआ इसको लेकर के हम सेविकाएं भी बहुत खुश हैं और सहायिकाएं भी खुश हैं, लेकिन हम लोग इस बात को लेकर के बहुत नाराज़ भी हैं कि जब सरकार ने शुरू से हम लोगों को आधा आधा पर बांट रखा था, शुरू से हम लोगों को आधा आधा कर रखा था, तो इस हिसाब से कम हम लोगों का मानदेय 8,000 होना चाहिए था। बहुत सारी सेविका बहनों ने इस बात का विरोध भी किया, इस बात के लिए कमेंट भी किया कि कम से कम जो है कि हम लोगों का मानदेय उसी दौरान 8,000 रुपये करना चाहिए था। यदि राज्य सरकार ने बढ़ाया भी तो एकदम जो है कि केवल नाम मात्रा, भीख भी जो है कि कुछ दिया जाता है उस हिसाब से ये भीख भी एकदम टुकड़ों के टुकड़ों में था, टुकड़ों में भी यह भीख नहीं था, टुकड़ों के किसी कण में के बराबर यह भीख था। इसको लेकर के भी सेविकाएं बहुत आक्रोशित थी, सरकार को लग रहा है कि शायद सेविकाएं थम जाने वाली है, सेविकाएं डर जाने वाली है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि 26 नवंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भले ही मजदूरों के साथ में, भले ही जो है कि अन्य लोगों के साथ में बुलाया गया था एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए, हालांकि सेविकाओं ने इनकार कर दिया, धरना प्रदर्शन में नहीं गई, मगर उसको लेकर के भी जो है कि सरकार तक यह आवाज़ पहुँची और उसके पहले ही 25 तारीख के दिन जो है कि ICDS निदेशक से एक बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने जो मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखाया था कि उन्होंने जिन 13 मुद्दों पर चर्चा की है, 13 मुद्दों पर बात की है, हालांकि लेटर में पूरा स्पष्ट नहीं लिखा गया है, लेकिन बातें मौखिक कई तरह से हुई हैं, यहाँ तक कि कुछ मुझे और भी गोपनीय बातें चली हैं कि जो सेविकाओं और सहायिकाओं के साथ में मंत्री जी का बैठक था मुख्यमंत्री का, उसमें उन्होंने कुछ और स्पष्ट कहा है बिना किसी जो है कि पक्के सबूत के, मैं आप लोगों के सामने नहीं रख सकती हूँ, लेकिन समय दीजिए, समय आने पर सभी जानकारियाँ मैं आप लोगों को धीरे धीरे दूंगी कि मुख्यमंत्री द्वारा हुए वार्ता में और क्या क्या कहा गया, क्योंकि जो जो सेविकाएं उस मुख्यमंत्री जी के बैठक में शामिल थी, मैं उस समय की बात कर रही हूँ बहनों, आप लोगों को दिला दो याद की जब चयन मुक्ति हुई थी, चयन मुक्ति के बाद से जब वापसी हुई उस दौरान की मैं बात कर रही हूँ, जब मानदेय बढ़ोतरी हुई मैं उस दौरान की बात कर रही हूँ, तो जो भी सेविकाएं वहां उपस्थित थी उसमें से मैंने एक दो सेविकाओं से बात की और बहुत विस्तार से बात हुआ, तब जाकर के हमें पता चला कि कुछ और सरकार की जो है कि अच्छी नीति है, अच्छी पहल है हम सेविकाओं के लिए, हम सहायिकाओं के लिए जो है कि हमारी राज्य सरकार कुछ अच्छा सोच रही है, लेकिन यही है कि सोचते सोचते बहुत सारी बहनें रिटायर हो जा रही हैं, बहुत सारी सेविका सहायिका एक्सपायर हो जा रही हैं, बहुत लोग जो है कि तंग आकर के रिजाइन भी दे रही हैं, लेकिन
यह सरकार जो सोच रही है इसे सोचने में वर्षों बरस लग जा रहे हैं और सेविकाएं मजबूर हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। समय का पहिया घूम रहा है और इस समय के पहिए में, इस समय के चक्र में सेविकाएं पिस रही हैं, सहायिकाएं पिस रही हैं, घिस रही हैं पूरी तरह से, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को यह पूरी जानकारी पढ़ के सुना देती हूँ। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स को बातों को, मांगों को लेकर कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है, वो किस तरह से कही जा रही है और क्या कहा जा रहा है, इन सभी बातों को मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना रही हूँ। बस रिक्वेस्ट यही है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आप लोगों को मेरे द्वारा लाई जा रही जानकारी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो मैं आप लोगों को उस टॉपिक पर और वीडियो लेकर के आऊंगी, क्योंकि जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे उसी टॉपिक को मैं दोबारा। आप लोग यहाँ तारीख देख सकते हैं कि तारीख भी देखिए, आप लोग यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है दिनांक 26 नवंबर 2024, ठीक है। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबंध, निबंधन संख्या आप लोग यहाँ देख सकते हैं, केदार भवन अदालतगंज पटना। प्रिय बहनों एवं अभिभावक बंधु, अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक कदम उठाते हुए एटक से संबंध बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन अपने पूर्व के निर्णय के आलोक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि करने जा रही है, ठीक है, करने जा रही है। जब तक कि हम लोग पूरी जो है कि उसकी रिसीविंग, उसकी कॉपी हम लोग नहीं देख लेते हाँ कि सच में याचिका दायर कर दी गई है, तब तक हमें नहीं मानना है। लेकिन यह जानकारी यूजफुल है, आगे और देखते हैं कि और क्या कहा जा रहा है। देखिए, विदित हो कि विगत दिनों में यूनियन के राज्य कमेटी के बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि सड़क से संसद तक लगातार संघर्ष के बावजूद भी अपेक्षाकृत जो सफलता मिलना चाहिए था वह किसी भी सरकार के द्वारा नहीं मिला, और तो और खासतर जब तक से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही है तो इस योजना को समाप्त ही कर देना चाहती है। यानी कि इन्होंने जो है कि पूरी अपने आप से ही कहानी बना दी है कि इस योजना को मोदी की सरकार समाप्त कर देना चाहती है, ठीक है। मैं किसी दल और पार्टी पजऊ के पक्ष में और विपक्ष की बात यूनियन से कभी नहीं करता हूँ ना करूँगा, परंतु सच बोलना चाहिए। क्या यही सच है कि 2004 में सेविकाओं को 500 से 1000, 2009 में 1000 से 1500 और 2011 में 1500 से 3000 की मानदेय में बढ़ोतरी हुई? मात्र 7 साल में 500 से लेकर 3000 रुपये यानी 6 गुना वृद्धि। अभी इसी गति से मोदी सरकार द्वारा 2014 से 2024 के बीच में मानदेय बढ़ोतरी किया गया है तो अब 8.5 गुना से अधिक यानी 25,800 रुपये होना चाहिए, परंतु अब तक 10 साल से 0.5 गुना यानी कि मात्र 3000 में 1500 रुपये की वृद्धि हुई है। मतलब पूरे देश में भारत सरकार द्वारा 4500 रुपये मानदेय राशि भुगतान किया जा रहा है, जो कि खेत मजदूरों को मिलने वाले न्यूनतम मजदूरी के समान भी मानदेय राशि काफ़ी कम है। यह तो मोदी सरकार के अंधभक्तों के लिए दर्पण आईना, यह सरकार के अफसर दलाली करने वाले, जात धर्म के नाम पर संगठन चलाने वाले, सेविकाओं सहायिकाओं के संघर्ष से विमुख करने वाले, नकली संगठन चलाने वाले, संघर्ष के मैदान में पहले भागने वाले, संघर्ष के समय आत्मसमर्पण करने वाले, बार बार इज्जतदार की तरह आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को दिग्भ्रमित करने वाले महान योद्धा लोग सच कभी न बोलने की कसम खा चुके हैं। क्या यह सच नहीं है कि वैसे जो आज ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग हड़ताल में गद्दारी न किए होते तो आज बिहार राज्य की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की स्थिति कुछ और होती? समय पर भाग गए और आज प्रवचन कर रहे हैं कि वाह भाई वाह, ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए महान योद्धा। खैर, ये तो बातें हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यह जो ये बातें हैं कि ये किसी एक ही इंसान की यानी कि कुमार बिंधेश्वर जी के द्वारा ही यह सभी बातें कही जा रही हैं, ठीक है। तो हम लोगों को किसी की भी एक बातों को ढोना और उसको पूरी तरह से सच मानना, ये हम सेविकाओं की बेवकूफ़ी है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यह जो बातें हैं, बातें हैं ठीक है, इसमें हमारे लिए जो मेन मुद्दा है दोस्तों, मेन मुद्दा केवल यही है और इसी पर हम सभी को अडिग रहना है कि जो हम आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांगे हैं, मांगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो, ठीक है। हम लोगों को बस इसी पे पूरा फोकस करना है कि हमारी जो याचिका है वह दायर हो। आज ये जो लोग, कोई भी लोग हो, चाहे एटक से संबंध हो या कोई भी हो, जो इस समय से ज्ञान बांटने की बातें कह रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, एटक से संबंध ही कोई संघ है किसी और की बुराई कर रहा है, दूसरा किसी और की बुराई कर रहा है, बस समस्या यही है कि टुकड़ों टुकड़ों के चलते आज सेविकाओं की यह दुर्दशा है।
यदि सभी संगठन सभी संघ मजबूत हो जाए एक साथ आ जाए तो सरकारों को भी झुकना होगा। सरकार भी समझ रही है कि जो है कि एक समय पे इधर एक समय पे उधर, आप लोगों ने देखा था कि जब हड़ताल चल रहा था उस समय बहुत सारी सेविका बहनें जो है कि पप्पू यादव द्वारा दिया जा रहा दाल भात खा रही थी, तो बहुत सारी सेविकाएं जो है कि तेजस्वी भैया का भी गुणगान गा रही थी। तो इस तरह से जो है कि कामकाजें हो रही हैं, लेकिन इन सब से हम लोगों को बाहर आना होगा, एक होना होगा, तभी जा करके कुछ काम हो सकता है। कोई कहता है कि हम जो है कि ये भाग गया, कोई कहता है वो भाग गया, कोई कहता है हमने 1000 बढ़वाया, कोई कहता है कि हमने 1000 बढ़ाया, लेकिन पुरानी बातें जो बीत गई सो बीत गई। अभी भी बहनों आप लोगों को जागना होगा, एक होना होगा। जब तक कि बहनें एक नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरी बातें आप लोगों को सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राय दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बहनें जागरूक हो सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। जैसे ही जो है कि याचिका दायर करने के बाद से जो रिसीविंग मिलती है उसको साक्ष्य के रूप में मैं जब तक ना दिखा दूँ तब तक आप लोग इसे सही मत समझिएगा। मिलती हूँ यूज़फुल जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।